हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पार्ट वन करा है, अब पार्ट सेकंड भी हो चुका है। ये पार्ट थ्री है जिसके अंदर हमें दाना फिल करना है। सो दाना फिल करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे एक मिक्स बनाना है, वाइट सीमेंट एंड जो भी आपको कलर का दाना चाहिए, वाइट दाना चाहिए या ब्लैक दाना चाहिए। वाइट दाना हमारा थोड़ा सा पतला आता है एंड ब्लैक दाना हमारा थोड़ा मोटा आता है। फॉर आवर फिनिशिंग पर्पज हम दाने का यूज़ करते हैं। एंड गाइज, आप प्लास्टर कराते हैं, प्लास्टर में जो प्रोसीजर होता है, हमें सीमेंट स्लरी बनानी होती है। सेम हमने यहाँ पे सीमेंट स्लरी बनाई है वाइट सीमेंट की, एंड वी हैव आवर वाइट सीमेंट ऑफ बिरला वाइट वाइट पोर्टलैंड सीमेंट। ये 50 kg का ही हमारा बैग आता है, जैसे हमारा नॉर्मल OPC सीमेंट आती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा दाने का मिक्स है, मोर्टार मिक्स जो हमारा दाने का बनेगा, वो कैसे बनेगा। अब जो हमारा मोर्टार का मिक्स रहेगा जो हमें दाने के लिए यूज़ करना है, उसका रेशो जो होता है वो रहेगा 1.5:1। जैसे कि 1.5 अगर हमारा वाइट सीमेंट है तो उसी के लिए हमारा 1:1 होगा, वो दाना होगा। एंड दाना कुछ ऐसा होता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये दाना है हमारा। अब ये दाना क्या होता है, दाना ये जो हमारा मार्बल होता है, मार्बल की जो वेस्टेज होती है उसी को ही कट करके ये दाना बना दिया जाता है, पतला दाना मोटा दाना। सो मार्बल की वेस्टेज को ही दाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अगर 1.5 हमारा वाइट सीमेंट है तो 1 हमारा दाना होगा। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी विद द हेल्प ऑफ वाटर हमारा मोर्टार मिक्स तैयार हो जाता है, और हमारी 1:1 की रहेगी। अगर एक तसला हम वाइट सीमेंट ले रहे हैं, एक तसला हम वाइट सीमेंट ले रहे हैं, तो हम पानी भी उतना ही लेंगे और हम अपना घोल बना लेंगे सीमेंट का, जैसे हम प्लास्टर करने से पहले करते हैं। तो अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे करना है। पहले आपको अच्छे से सीमेंट लेना है, वाइट सीमेंट का अच्छे से हिला के, नीचे सेटल ना हो आपकी सीमेंट। अब यहाँ पे हमें पोर कर देना है पहले सीमेंट को। आफ्टर पोरिंग हमें यहाँ पर अपना जो हमने मोर्टार मिक्स बनाया है अपना दाना फिल करने का, उसको विद द हेल्प ऑफ करनी या फिर आपके पास जो 8 इंची की हमारी पत्ती होती है उससे फिल कर सकते हैं। अभी हमने अच्छे से फिल कर दिया है और हमने फिनिशिंग कर दिया है कि हमारा जो दाना है बाहर ना जाए। सो हर जगह हमने सीमेंट पोर कर दिया है। अब सीमेंट पोर करने के बाद हम अपना जो हमने मोर्टार मिक्स बनाया है उसको हम अच्छे से ऊपर फिल कर देंगे। आफ्टर पोरिंग आवर मोर्टार मिक्स इनसाइड आवर गैप्स, हमें अब इसकी फिनिशिंग कराने के लिए, जैसे हमें मार्बल की घिसाई करवानी होती है, हम इसकी घिसाई करवाएंगे। इससे घिसाई से हमारा कोटा स्टोन का जो शाइन होता है वो भी आ जाएगा, और जो ये हमारा ऊपर नीचे हुआ है, जब हमारी इसके ऊपर मशीन चलेगी तो ये जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने एक थोड़ा ज़्यादा भरा है यहाँ पे, तो जब इसके अंदर हम ऊपर से मशीन चलाएंगे घिसाई वाली, एक अलग ही फिनिशिंग आएगी, सारे गैप्स फिल हो जाएंगे, सब कुछ फिल हो जाएगा, और हमारा कोटा स्टोन का जो आखिरी स्टेप है वो घिसाई है। घिसाई करने के बाद ये बहुत ही फिनिशिंग में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्नर से।